जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप जानते हैं कि तुलसी की मंजरी नारायण के अलावा शिव और बजरंग बली को भी अर्पित किया जाता है। इससे क्या क्या फल प्राप्त होते हैं तथा 29 जून को चतुर्मास लग गए हैं, यानी कि लगने वाले हैं एकादशी पे, जो कि इस दिन आपको 108 तुलसी मंजरियों का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जीवन में एक बार आप नारायण को तुलसी की 108 मंजरियों की माला अर्पण कीजिए, अथवा बजरंग बली को भी जीवन में एक बार आप तुलसी की मंजरियों से माला का आप उपाय कीजिए, तथा वहीं पे तुलसी की मंजरी लोटे में जल में मिलाकर शिव का अभिषेक करने से धन संबंधित जितने भी परेशानियां होती हैं वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं और हमारे रुके हुए काम भी होने लग जाते हैं। साथ ही में तुलसी की मंजरी अर्पण करने से निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें कभी भी गर्भ धारण नहीं मिलता, यानी कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण तथा शिव पुराण के अंतर्गत जो लोग भी तुलसी की मंजरियों से नारायण की पूजा करते हैं, यानी कि 108 तुलसी के मंजरियों की माला नारायण को अर्पण करते हैं, वो आवागमन की विधि से वो छूट जाते हैं। हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है, इससे तुरंत ही संकट मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि के भी द्वार खुलने लग जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी की माला आप पत्ते की भी बना सकते हैं, तुलसी की मंजरी की भी बना सकते हैं। चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होती है, बिगड़े काम भी दुखों से भी छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को तमाम संकटों कष्ट परेशानियों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग प्रस्त होने लगते हैं, यानी खुलने लगते हैं। जो कि हमारे कार्य रुक रहे हैं वो सही से होने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन विशेष करके बजरंग बली को तुलसी की माला अर्पित करता है, उसे धन लाभ होने के प्रबल योग बनने लगते हैं, यानी कि मंगलकर्ता मंगल बजरंग बली हमारा मंगल करने लग जाते हैं। बजरंग बली को क्यों की जाती है अर्पित तुलसी की माला? तो मंगलवार को तुलसी जी की माला अर्पण करने से निसंदेह हमारा मंगल होता है और सभी रुके कार्य होने लगते हैं। और आइए चलते हैं किस तरीके से हम तुलसी की मंजरी बनाते हैं। बहुत ही श्रद्धा भाव से मैंने भी बनाया है और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। आप देखिए कैसा बन रहा है और आप भी कोशिश कीजिए कि एक बार जीवन में आप इस तरीके से तुलसी जी की माला बनाएं, तुलसी की मंजरी की माला बनाएं और हनुमान जी को और नारायण को आप जरूर चढ़ाएं। इस एकादशी पर 29 तारीख को तुलसी की मंजरी की माला पहनाएं, क्योंकि चतुर्मास आरम्भ हो रहा है और उनकी जितनी प्रिय चीज़ें हैं नारायण की, उन सबको हमें अर्पित करना है और पूरा पूरा उनका स्नेह हमें पाना है। न जाने कब तन से प्राण निकल जाए, राम रटे हनुमान रटे श्याम रटे, मगर एक ऐसा उपाय कर ले जिससे आवाजनम यानी आवागमन के रास्ते से हम छूट जाए या नारायण धाम को हम प्राप्त हों। इसी कामना से हर वैष्णव भक्त नारायण को तुलसी अर्पित करते हैं, तुलसी धारण भी करते हैं, गोपी चंदन भी लगाते हैं। पिछली वीडियो में आपने हरी चंदन सीखा और इस तरीके से विष्णु बाती भी सीखी तुलसी से, और इस बार एकादशी पर मैं आपको तुलसी के मंजरियों का माला लेकर आई हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा और कोशिश कीजिएगा कि एकादशी पर आप नारायण को 4 महीने में जो भी एकादशियाँ आएंगी चतुर्मास के दौरान, 5 महीने की इस बार चतुर्मास लग रहे हैं, तो आप 5 महीने में एक बार तो जरूर तुलसी की मंजरियों से नारायण को आप खुश कर दें और आपकी मनोवांछित भी जो भी इच्छाएं हैं नारायण पूरा करें। सभी तरीके की इच्छाएं मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं मंजरी की माला पहनाने से। अब देखते हैं कैसे तुलसी की मंजरी की माला हमने बनाई है। तो पहले हम तोड़ लेते हैं
तो हमें इस तरीके से तोड़ना है। आइए सब तोड़ लेते हैं। और हमने ये सारी तुलसी की मंजरियाँ उतार रखी है और बारिश का भी मौसम हमारे यहाँ चल रहा है। अब इसे आप मौली में इस तरीके से गांठ लगाकर, जैसे बंधनवान बनाया जाता है उस तरीके से, ऐसे गांठ लगाकर तुलसी की एक मंजरी, जैसे आप नीचे जितने भी मंजरी लगे हुए हैं, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 1, तो उन सब की नीचे से जैसे हम कट करते हैं तुलसी की डंडी को, तो हम इसे एक ही काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक आपके तुलसी में ये आपने कट किया है, तो अगर 3 या 5 आपके मंजरी लटके हुए हैं तो आप उसको 5 मंजरी काउंट करेंगे, ये आपकी एक तुलसी का मंजरी हुआ। इसी तरीके से आप टोटल जितने मंजरी हैं इन सबको आप बांधकर 108 की माला बना लीजिएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि बहुत टाइम लगते हैं, इस तरीके से आसानी से इतना आसान नहीं होता है बनाना। आराम आराम से आप बनाइएगा, इच्छा होगा तो आप बना लीजिएगा। और मेरे पास तुलसी थी और जिस तुलसी पे हम पूजा करते हैं उस तुलसी की माला, मतलब ज़्यादा पत्ते उसके नहीं तोड़ने चाहिए। जो वैद्य के लिए, आप चाय वगैरह के लिए, काढ़े के लिए अलग से हम उगा रखे रहते हैं, उनमें से हमें ये तुलसी की मंजरियों को हमें लेना होता है और उसी का हमने बनाया है। आप एक जगह कहीं एक धागा बांध दीजिए, जैसे मेरे पास एक पूजा का डाली है उसमें हमने एक बांध दिया और दूसरा छोर मैंने कहीं और बांध दिया, एक गेट में बांध दिया, फिर मैं बैठकर आराम से उसको मैं एक एक करके मैं इसको बनाती चली गई। पेशेंस रखना पड़ेगा, 108 मंजरियों को बांधने के लिए कम से कम 45 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा ज़रूर लगेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतने देर आपको लगेंगे। इस तरीके से आप गांठ देखिए, आप इस तरीके से दोनों धागे के बीच में से ये ऐसे उंगली से निकाल कर आप बीच में से धागा निकालेंगे, क्योंकि हमने एक साइड में बांध रखा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिखाई इसमें नहीं दे रहा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। और मंजरी को आप पीछे से ऐसे से होल के अंदर डाल के दोनों तरफ से धागे को हम खींच देते हैं और खुलता नहीं है, तो आप इसे मंगलवार को भी पहना सकते हैं तथा इसे आप एकादशी पे भी बना सकते हैं। मैंने तो एकादशी के लिए बनाया है क्योंकि चतुर्मास लग रहे हैं, तो उस मतलब पूरा चतुर्मास कुछ ना कुछ नारायण के लिए स्पेशल करते रहेंगे। जिनको बजरंगबली को पहनाना है वो बजरंगबली को भी 108 मंजरियों की माला अथवा 108 तुलसी के पत्ते को भी आप मौली के धागे में बांध कर जरूर अपने लाइफ में एक बार जरूर मतलब पहनाना चाहिए। इस तरीके से आप देखिए ये बन रहा है और मैं बना रही हूँ, तुलसी का माला बनकर रेडी हो गया है। और आप इसे अपने इष्ट को चढ़ाएं, बजरंग बली को चढ़ाएं और मनवांछित जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण होंगे, और नारायण को भी आप चढ़ाएं। पूर्णिमा एकादशी के दिन विशेष नारायण को चढ़ाने से विशेष प्रकार के लाभ हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये तुलसी की मंजरी की माला की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। आप भी इस माला को बनाएं और नारायण को अर्पित कर सुख का अनुभव करें, सुख समृद्धि का अनुभव करें। अगर आपका काम रुका हुआ हो तो जल्दी जल्दी होने भी लगेंगे और आप अपने अनुभव शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।